कांग्रेस क्या कह रही है कि सबकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे फिर बाद में अल्पसंख्यकों को बांट देंगे? पहले कब कराया सर्वे इन्होंने? कांग्रेस वाले ने पहले करवाया क्या सर्वे? बीजेपी समेत कई संगठनों ने कांग्रेस की इस पॉलिसी पर सवाल खड़े किए हैं। आरोप है कि कांग्रेस मुस्लिम वोटों के लिए पिछड़ों के हक पर सेंधमारी कर रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बाद सवाल है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना संविधान का उल्लंघन नहीं है? पिछड़े आरक्षण कोटे में सभी मुस्लिमों को आरक्षण देना सही है, अपर कास्ट के मुस्लिमों को भी पिछड़ा आरक्षण देना उचित है। मुस्लिम आरक्षण से पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा। क्या कांग्रेस कर्नाटक के मॉडल को पूरे देश में लागू कर सकती है? चुनावी शोर में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार संविधान बदलने की कोशिश का आरोप लगाया है। गोवा से कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने दावा किया कि गोवा राज्य में जबरन भारत का संविधान थोपा गया था। अब इस मुद्दे पर भी बीजेपी कांग्रेस को घेर रखी है। संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के अभियान की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने फायदे के लिए संविधान और देश की अखंडता से भी समझौता कर सकती है, लेकिन तुष्टिकरण के नाम पर संविधान से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा, ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे। आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई। आज गोवा में संविधान को नकार रहे हैं, कल पूरे देश में बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को नकारने का पाप करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार सत्ता में वापस आए तो बीजेपी देश का संविधान बदल देगी। लेकिन संविधान के पिच पर अब मोदी और बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस पर पलटवार किया उससे तमाम राजनीतिक पंडित भी हैरान हैं। धर्म के नाम पर आरक्षण देने की कोशिश अब कांग्रेस को भी भारी पड़ रही है, जिसका खामियाजा उसे लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद सवाल भी कई उठ रहे हैं। वहीं पिछड़ा आयोग की ओर से भी जो फैसले लिए गए सरकार की ओर से वो भी पिछड़ा आयोग को नामंजूर है। दरअसल सिद्धारमैया सरकार ओबीसी सूची में मुस्लिम समुदाय को शामिल कर चुकी है। वहीं पिछड़ा आयोग न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे, ये बात कह रही है। पिछड़ा आयोग का कहना है कि इससे न्याय के सिद्धांत कमजोर होंगे। सरकार जो तैयारी कर रही है, यहां तक कि आम लोगों तक ये जब बात पहुंच रही है तो लोग भी यही बात कह रहे हैं कि ये एक तरफ ओबीसी का हक मार रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो सामान्य जाति के लोग हैं, सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनका हक भी इससे मारा जा रहा है। सिद्धारमैया सरकार ने फैसला लिया कि मुस्लिम वर्ग की सभी जातियां पिछड़ी हैं। उनका यह कहना है कि सभी जातियां पिछड़ी हैं, इसलिए उनको ओबीसी में लेकर आया जाए। वहीं पिछड़ा आयोग यह कह रहा है कि पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है, सीधे सीधे ये वोट बैंक की राजनीति है। सिद्धारमैया सरकार कई राज्य सेवाओं में भर्ती में आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर पिछड़ा आयोग ने साफ कह दिया कि निकाय चुनाव में आरक्षण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो ये तमाम बातें सिद्धा सरकार की ओर से ये फैसले लिए गए तो पिछड़ा आयोग ने इन तमाम बातों को नकार दिया। एक और बड़ी खबर सलोनी से जानते हैं। और बड़ी जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला और कहा है कि सीधे सीधे यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। ये कह दिया, क्या वो मुसलमानों के प्रधानमंत्री नहीं है? ये सवाल भी असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मुसलमानों से नफरत की गारंटी है ये। साहब ये डायरेक्ट तालुका तुम्हारे सीएए से है, ये डायरेक्ट तालुका तुम्हारे सीएए से है। ये अकबरुद्दीन, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो इस देश के मुसलमानों के साथ ना रहते हुए ये लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठा के लेके आते हैं, पाकिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं, अफगानिस्तान से लोगों को उठा के लेके आते हैं और इनसे कई कई नंबर ऑफ बच्चों को पैदा करवा देते हैं ये लोग। तो उन बच्चों के बारे में कौन बात करना चाहिए जो इस धरती के लिए अपने बच्चे नहीं है वो लोग। दूसरी बात, ये लोग यहाँ के पसमंदों के घर में भी जब चार पांच से ज्यादा बच्चे होते हैं कभी उनके खाने पीने के बारे में इसने कभी सोचा है? रिक्शा वाला रह चुका है, ऑटो वाला रह चुका है,
कहीं ऑटो वाला रिक्शा वाला भी बन चुका है, रिक्शा वाला रोड पे चलने लग गया है। क्या कभी इन्होंने मुसलमान गरीब पसमंदा बच्चों को पढ़ाई लिखाई देते हुए, उनको बड़े करते हुए देखा आपने कहीं? जहाँ यहाँ के मुसलमान गरीब है, ऊपर से ये बाहर से मुसलमान आने की जो ख्वाहिश रखते हैं, तब ये लोग इस प्रकार का गलत सोच विचार लोगों के अंदर घुसते हैं, डालते हैं इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री को तो इस देश की चिंता होती है ना, तो उन्हें क्या करे? मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मजाहरे कर रहे हैं, और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है वो। देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हमला, कहा पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की आंतरिक रणनीति का हिस्सा। सैम पित्रोदा के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हुआ हमला, कहा कांग्रेस के असली चरित्र को पीएम मोदी ने किया बेनकाब, इसलिए कांग्रेस बौखला गई। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी परिवार पर बोला हमला, अकबरुद्दीन और ओवैसी जैसे लोग बाहर से रोहिंग्या जैसे लोगों को उठाकर लाते हैं। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का ओवैसी पर हमला, का 120 करोड़ हिंदू कहा जाएगा अगर सब मुसलमान को देंगे। वहीं भ्रष्ट लोगों के रक्षक है प्रधानमंत्री मोदी, आप सांसद संजय सिंह ने पीएम मोदी पर यह निशाना साधा है और कहा है कि पीएम मोदी ने अरबपतियों को अरबों रुपए माफ कर दिया। दिल्ली के अकबर रोड पर हिंदू सेना ने लगाए कांग्रेस विरोधी बैनर, कांग्रेस के अल्पसंख्यक वाले बयान पर छिड़ा घमासान, हिंदू सेना ने बयानों पर जताया विरोध। तेलंगाना के सैदाबाद में एक महिला सब इंस्पेक्टर का बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता से गले मिलने का वीडियो वायरल, डीसीपी ने सब इंस्पेक्टर को सौंपा सस्पेंशन लेटर। दिल्ली के आईटीओ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और डॉक्टर विंग का प्रदर्शन, प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विंग के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं ने की शिरकत। संदेश खाली का शैतान शाहजहां शेख की हुई अदालत में पेशी, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शाहजहां शेख को लाएगा बशीरहाट कोर्ट। आंध्र प्रदेश के नैलोर में भीषण सड़क हादसा, घटना में 3 की मौत, कई घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बिजली विभाग के कर्मचारी पर रिश्वत लेने का आरोप, एंटी करप्शन विभाग की टीम ने कर्मचारी को 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा, मामले की जांच में जुटी टीम। आंध्र प्रदेश के नैलोर में सोमसिला वन क्षेत्र में लगी भीषण आग, घटना से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप, आग बुझाने का काम चल। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बिना भेदभाव के